बहुत मिलेंगे अपना कहने वाले, लेकिन अपना कोई नहीं मिलेगा। तुम मानो या ना मानो, ये इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है कि आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ये दुनिया आपको सिर्फ दिखावे से जानती है। इसलिए हमेशा हंसते रहो, इसलिए नहीं कि आपके पास मुस्कुराने की वजह है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। और कभी खुद को कमजोर साबित मत होने देना, वरना लोग आपसे मुंह फेरने में देर नहीं लगाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी, हम पहुंचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। दोस्तों, ये जिंदगी तुम्हारी है, इसको अपने हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से नहीं। क्योंकि जब लोगों की जरूरत बदल जाती है तो उनका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हर दिन आपके लिए नई उम्मीदों को लेकर आता है, इसीलिए फिर से हिम्मत और मेहनत के साथ अपने काम में लग जाओ। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम उस बंद दरवाजे को इतने अफसोस के साथ देखते हैं कि जो दरवाजा खुल रहा है हमारी उस पर नजर ही नहीं जाती। अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो उसके दो ही कारण हैं, या तो आप में कुछ ऐसा है जो वह पसंद नहीं करते, या फिर आप में कुछ ऐसा है जो कि उनके पास नहीं है। इसीलिए जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ जाना कि जीना आ गया। और हमेशा अपने आप को ये बात याद दिलाते रहना, जो समय हो विपरीत अगर, हो जाए कठिन डगर, मन अगर हताश निराश हो, खत्म हो रहा आत्मविश्वास हो, तो खुद पर यकीन तू कर, बस अपना कर्म कर। ये जल जला जो आया है वो खुद ही चला जाएगा, मजबूत तेरे इरादे हैं, कोई तुझे हिला भी ना पाएगा। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, असफलता और निराशा केवल आपको ही नहीं मिलती, ये सबके नसीब में लिखी है। लेकिन अगर आपको जीवन में सिर्फ वही मिल रहा है जो आप नहीं चाहते, तो यकीन मानिए आपका पूरा ध्यान केवल उस चीज की तरफ है जो आप नहीं चाहते। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, जो चीज उसके पास होती है वो उसकी कदर नहीं करता, और जो चीज उसके पास नहीं होती है वो हमेशा उसको लेकर अफसोस करता है। वह किसी भी चीज की कदर केवल दो बार करता है, एक उसे पाने से पहले और दूसरा उसे खोने के बाद। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल आपके ही हाथ में है। इसलिए मुसीबतों से मत डरो, क्योंकि जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। मुसीबतों से निखरती है शख्सियत, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगा, सही जज्बा रहा तो मुसीबतों का भी हल निकलेगा। बंजर जमीन तो क्या, वहां से भी जल निकलेगा। न मायूस हो न घबरा इन अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। और लोगों की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि जो होगी उनके मतलब की बात लोग वही कहेंगे। न करना तुम उम्मीद कि वो सही को सही कहेंगे। भेड़ चाल में आके मत बदलना अपनी राह को, जो आज आस पास है कल वो साथ नहीं रहेंगे। आप किसी के भी साथ लाख अच्छा कर दो, लेकिन एक गलती होते ही वह आपकी सारी अच्छाइयां भुला देगा। जिंदगी में सही लोगों को सही वक्त पर कदर नहीं मिलती, इसलिए अपनी पहचान खुद बनाओ। और लोग तुम्हें नहीं समझते, इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। दोस्तों, जिंदगी की बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं अगर हम क्रोध के समय थोड़ा सा रुक जाएं और गलती के समय थोड़ा सा झुक जाएं। जिंदगी में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना बहुत जरूरी है, एक सहन शक्ति और दूसरा समझ शक्ति। जब दुनिया तुम्हें आजमाए, तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें बिछाए, जब हालात तुम्हें तोड़ना चाहे और हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ना चाहे, तो दिखा दे दुनिया को अपनी ताकत, तू आगे बढ़ और कर हिमाकत, तू हालात के खिलाफ कर बगावत। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल पा ही लेता है वो जो हार नहीं मानता। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और हमेशा ये बात याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी पाना संभव नहीं है, बस आप हिम्मत मत हारिए और निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बस सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।